एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग चला भूर विद अलीशा, जहां मैं आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के ग्राउंड रियलिटीज नहीं तो उस जगह के रिलेटेड कहानियां भी बताती हूं। आज मैं आई हूं पुणे में, और मैं पुणे में स्पेशली आई हूं पुणे की न्यूली लॉन्च मेट्रो लाइन को एक्सप्लोर करने। एक साल पहले जब वनास्तु गरवारे मेट्रो लाइन लॉन्च हुई थी, तो मैंने उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो मैं वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। एंड आज मैं जा रही हूँ फ्रॉम सिविल कोर्ट टू PCMC, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस लाइन बिकॉज ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और मैंने कभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को एक्सप्लोर नहीं किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मेट्रो लाइन कैसे है, यहाँ के कोचिज कैसे है, इसकी सारी डिटेल्स, और ऑल्सो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते, लेट्स एक्सप्लोर द मेट्रो टुगेदर। सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्ट सामने एक बड़ी सी पार्किंग स्पेस है, जहाँ आप अपने 2-व्हीलर या 4-व्हीलर पार्क करके मेट्रो से ट्रेवल कर सकते हो। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है। मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्ट बाहर ऑटो स्टैंड भी है। मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए आपको मेट्रो का टिकट लेना पड़ेगा। ये टिकट हम ट्रेडिशनल तरीके से लाइन में खड़े रहकर टिकट विंडो से ले सकते हैं, या फिर यहाँ दिए हुए QR कोड को स्कैन करके ले सकते हैं, या फिर पुणे मेट्रो ने निकाली हुई टिकट वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं। मैंने ऑब्वियसली मेरी जर्नी का टिकट वेंडिंग मशीन से लिया। इस मशीन को यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और यहाँ से आपको डिजिटल यानी कि फोन पर या पेपर टिकट भी मिल सकता है। एयरपोर्ट और सारे मेट्रो स्टेशन जैसे यहाँ भी सामान और अपने खुद का सिक्योरिटी चेकिंग होता है। अगर आप बिना टिकट स्कैन किए इसमें से जाते हो तो ऐसे बैरिकेड्स आ जाएंगे, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, तो टिकट स्कैन करके ही जाना। मेट्रो स्टेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आई प्लीजिंग भी है। मैं तो सोच रही थी कि इतनी ज्यादा ग्राउंड के नीचे खुदाई की कब पुणे मेट्रो ने। यहाँ बहुत ही ज्यादा खाली जगह भी है, सो आई फील क्राउड मैनेज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। मेट्रो ट्रेन ग्राउंड से, मतलब जहाँ से हम लोग ने एंट्री की, उससे 3 फ्लोर नीचे है। वैसे इन्हें फ्लोर्स तो नहीं बोल सकते, सारे फ्लोर्स की हाइट बहुत ही ज्यादा है। मेट्रो स्टेशन ग्राउंड के 3 फ्लोर नीचे है, तो यहाँ आने के लिए एस्केलेटर्स, लिफ्ट और स्टेयर्स है। सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन ये मेट्रो जंक्शन है, जो दोनों एक्वा लाइन और पर्पल लाइन को फैसिलिटेट करता है। एक्वा लाइन ये अबव द ग्राउंड है, और पर्पल लाइन के कुछ स्टेशन अंडरग्राउंड है। अभी मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म 4 से, क्योंकि मुझे जाना है PCMC। स्टेशन के ट्रैक्स पर प्रिकॉशन के लिए ऐसे टफन ग्लास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जो उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, बट फुल मूवीज में दिखाते हैं ना वो फॉरेन के मेट्रो ट्रेन्स, वैसे फील देते हैं। ये मेट्रो स्टेशन का वाइब फिलहाल तो बहुत ही नया नया वाला है, और इसकी डिजाइन भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखी गई है। बट पुणे हो और हिस्ट्री कहीं ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? इसलिए ही शायद सिंपल से मेट्रो स्टेशन पर ये थोड़े ओल्ड फैशन जैसे लैम्प्स लगवाए गए हैं। मेट्रो में बोर्ड करने के लिए हमेशा यहाँ दिए हुए येलो एरो के यहाँ खड़े होना है, ना कि कम्प्लीटली दरवाजे के सामने, ताकि जब मेट्रो आए तो पहले उतरने वालों को उतरने दे और फिर हम चढ़े उसमें। पुणे नेवर सीम्स टू अमेज मी। मैंने एक साल पहले जब बनास्तु गरवारे मेट्रो लाइन स्टार्ट हुई थी, वहाँ भी उस पर वीडियो डाला था, आप देख लेना, लेकिन वहाँ भी लोगों का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, और आज ऑलमोस्ट एक साल बाद भी मेट्रो को लेके उतनी ही एक्साइटमेंट है। इस मेट्रो के होल्डिंग हैंडल स्प्रिंग से कनेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। सिविल कोर्ट टू शिवाजी नगर ये पूरा अंडरग्राउंड रूट होने की वजह से ट्रेन टनल्स के थ्रू जाती है, और बाहर पूरा अंधेरा दिखता है। बट शिवाजी नगर स्टेशन के बाद मेट्रो अंडरग्राउंड से अपर ग्राउंड आना स्टार्ट कर देती है, और वो ट्रांजिशन विंडो से बहुत सुंदर दिखता है। दो व्हाट अमेज्ड मी वाज कि अंडरग्राउंड से अपर ग्राउंड जाने का जो चढ़ावा है वो बिल्कुल भी फील नहीं होता मेट्रो के अंदर। इट्स अ वेरी गुड इंजीनियरिंग। शिवाजी नगर से अब ये मेट्रो डायरेक्ट बोपोडी रुकेगी। खड़की और एंजल के स्टेशन का काम हुआ नहीं है ना, इसलिए। वैसे मुझे बैठने के लिए सीट मिल गई थी, बट फिर मैंने वो सीट एक बुजुर्ग आंटी को दे दी। आप भी अगर बैठे हो और अपने सामने कोई बुजुर्ग या फिर प्रेग्नेंट लेडी या कोई जरूरतमंद हो, तो अपनी सीट उन्हें जरूर देना। बोपोडी मेट्रो स्टेशन से निकलते ही पुणे की जान मुड़ा नदी दिखती है, जो बारिश के वजह से पूरी तरह भर गई है, और उसके थोड़ा सा और आगे जाके ही कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ इंडियन फ्लैग लहराता हुआ दिखता है। ये मेट्रो के अंदर वाला TV एडवर्टाइजमेंट्स के साथ साथ
नेक्स्ट स्टेशन और लास्ट स्टेशन के बारे में भी बताता है। मेट्रो के सारे दरवाजों के ऊपर ये मेट्रो लाइन का मैप है जो आपको पूरा रूट के बारे में बताएगा और उसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेशन और दरवाजा कौन से साइड पे खुलेगा ये इंफॉर्मेशन भी देगा। मेट्रो ट्रेन में चार्जिंग सॉकेट्स भी है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स 3 पिन या USB से चार्जिंग कर सकते हो। ये मेट्रो लाइन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऑपरेशनल रहेगी और अभी PCMC टू सिविल कोर्ट सिर्फ 25 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े कंपनीज और उनके फैक्ट्रीज दिखने लगे तो समझ जाओ कि पुणे खत्म हो गया है और पिंपरी चिंचवट स्टार्ट हो चुका है। मेट्रो से तो वो नासिक को जाने वाला बड़ा हाईवे है ना, जिसे पुणे में नासिक फाटा करके बोलते हैं, वो भी दिखता है। वैसे क्या आपको पता था कि मेट्रो ट्रेन से पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका भवन यानी कि PCMC भी दिखता है। थैंक यू मेट्रो मुझे अच्छे से एंड फटाक से PCMC पहुंचाने के लिए। मैं पहुंच चुकी हूँ PCMC मेट्रो स्टेशन एंड लेट मी टेल यू जो मेरा रूट था फ्रॉम सिविल कोर्ट टू PCMC इट वाज सच अ सीनिक जर्नी। हर जगह हरियाली थी, मतलब मुंबई में तो इतना हरियाली देखने को मिलता ही नहीं है एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा हरियाली था, इट वाज सच अ गुड जर्नी। एंड लेट मी टेल यू कि जो मेरे पहले जो ब्लॉग बनाया था लास्ट ईयर वहाँ पे भी लोग इतना एक्साइटेड थे इस मेट्रो को लेकर, इस बार भी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एल्डर्स से लेके बच्चे तक सब लोग विंडो सीट के लिए लड़ते थे, सब खड़े होकर विंडो के बाहर दिख रहे थे कि क्या क्या सीन दिख रहा है। इट वॉज सच अ फन थिंग टू वॉच एंड ऑल्सो मैं भी उसमें से ऑब्वियसली एक पार्ट थी देखने के लिए क्या क्या दिखता है एंड क्या क्या नहीं दिखता है। सो येस, उसके साथ साथ आई गेस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना और मैं उसको ढूंढ के कहीं से ला के आपको बता दूंगी। एंड यस, एंड माय ब्लॉग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।